दोस्तों फोर्ड स्टार्ट हो गया है और आवाज़ देखिए कैसी कर रहा है धाएं धाएं, क्योंकि इसमें साइलेंसर अंसी ने दूसरा लगा दिया था। दोस्तों इतने देखो कितना धुआं फैलाया है इसने यहाँ। दोस्तों अलग ही तरह का ट्रैक्टर है फोर्ड। दोस्तों वो इसमें महिंद्रा का लग रहा था, वो उतार के रख दिया है, इसे बाहर काट दिया है। धुआं देख ले अंसी, ये गेट अरे पीछे पहले धुआं देख कितना बढ़ गया गर्म। नहीं इसे बाहर काट, गाड़ी को इनके कर दिए बैक में। हाँ चल दो। दोस्तों ये अंसी ने लगा दिया है, इस पर हमारी रेलिंग का बचरा था ये। ये बिट्टू भाई का शेर जा रहा है, फिट कर ले नुहा गए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ तेल गेर देंगे, चला के लेके। दोस्तों आग बाल रहा था बिल्कुल, मुझे लग रहा कि इस पंजाबी आदमी का घर है का चारों ऐसा ना। कोई बात नहीं, इन्हें तो पूरा मजे का। दोस्तों ये बाहर जाके अंदर आ गया है, गाड़ी हटा के उधर ही कर दी है। और इसके पुराने के भी आप देख सकते हैं कितने धाकड़ लुक्स हैं। दोस्तों ये इस पर बक्सा भी महिंद्रा का लग रहा है, और इसकी बैटरी जो आती है अंदर यहाँ आती है, इसकी बैटरी यहाँ आती है, इस पर भी हेड पे भी डीसीएम फोर्ड मोहर लग रही है। रेडिएटर में पानी फुल कर दिया है, सारी चीज़ चेक है, मालिक ने बहुत अच्छी तरह से ट्रैक्टर की जो है करवा रखा है। ये देख सकते हैं इस पर लिख रहा है फायरिंग ऑर्डर 1 2 3, और इसकी बैटरी यहीं आती है फोर्ड की पहले से, लेकिन इन्होंने साइड में निकलवा दी थी। हाँ क्योंकि अंदर जो है ज़्यादा जब ट्रैक्टर लोड पर चलता है और उछलता कूदता है तो उसमें से तेजाब गिरता है निकल के, और वो जो तेजाब है पूरी बॉडी पे फैलता है ऐसे। हाँ तो इसलिए उन्होंने इसे हटवा दिया, यहाँ से साइड में निकलवा दिया, लेकिन फिर भी इसकी जो फाउंडेशन है वो बढ़िया नहीं बन पाया। उन्होंने यहाँ जो है इसमें ताले का जुगाड़ किया है बोल्ट का, लेकिन ये गलत है, ये दोबारा से हटवा के बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बनवाना पड़ेगा। और यहाँ जो है बोल्ट का नीचे से एक पत्ती आएगी जिसमें यहाँ बोल्ट लगेगा, और फिर इस पर जो है ओरिजिनल जो इसका कलर है, इसकी बॉडी का जो कलर है वाइट और ब्लू, वो मिलवाया जाएगा, वो लगाया जाएगा। वो तो पेंटर का काम है, पेंटर करेंगे, और जहाँ भी जंग है या ये इस तरह की चोट के निशान है ये सब घिस के सारी चीज़ें सब ये डेंट होगा, क्योंकि जैसे लुक्स ट्रैक्टर के इसके उस जमाने में थे, बाद में फिर नकल ही करी है न्यू हॉलैंड ने और उसने फार्म ट्रैक ने। बाकी ये लुक जो बॉडी का है, इसकी बनावट देखो कितने सारे टुकड़े हैं बोनट के, 1 2 3 4 5 करीब इसके जो बोनट के 5 टुकड़े हैं, ये 5 टुकड़ों में आता है 5 पार्ट्स में। लेकिन फिर भी आप देखें अगर ओवरऑल ट्रैक्टर को, तो इसकी जो बनावट है अल्टीमेट है, और जो इसके जो ये आता है इंजन का जो ब्लॉक है, इसमें पीछे जो गियर बॉक्स है और जो पिछला हिस्सा है वो मैसी से काफ़ी मिलता जुलता है। तो शुरू में जो असेंबली रही है फोर्ड की और मैसी की सेम सी रही है, लेकिन इंजन अलग थे इनके। तो ट्रैक्टर बहुत ही गर्म मिजाज का है और बहुत ही बढ़िया है चलने में, आगे भी आपको दिखाएंगे किस तरह से इसे खेत में लेके चलते हैं। और शायद मैं इसके गियर की भी बात करूं, जो इसके गियर हैं ये छोटे वाला हाई लो का है, ये मेन है, यहाँ इसका
पहला है, फिर यहीं पे नीचे दूसरा है, और बैक इसका यहाँ नीचे है, फिर टॉप बिल्कुल साइड में जाकर ऊपर है, और शायद यहाँ नीचे की तरफ बिल्कुल मिडिल में करके नीचे की तरफ इसका दूसरा है, क्योंकि गियर थोड़े इसके अलग हैं। यहाँ से ऊपर पहला, यहाँ करने के बाद दूसरा, और फिर शायद यहाँ तीसरा, और यहाँ ऊपर टॉप है। तो और बैक इसका पीछे करके यहाँ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लीवर को आप ऊपर नीचे झटके नहीं मार सकते, कई बार फिंगर जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से बहुत ही प्यार के साथ में इसके गियर लगाने हैं। ट्रैक्टर का तो खैर कोई भी हो, आप ऐसे करके ऐसे पकड़ के नहीं उठा सकते उसे, ऐसे जो हल्के हाथ लगा के या हथेली लगा के ऐसे जो है दबा के नीचे की तरफ ऐसे करें, हमेशा कभी भी गियर को ऐसे पकड़ के ऐसे ना लगाएं ऊपर की तरफ, तो उससे जो है डिस्टर्बेंस होता है गियर बॉक्स में। ओ थारी के मैं गोली सी छोड़ दी अंशी के साइलेंसर ने, चले आराम से फायर मार रहा ऊपर को। अभी रुक जा, आए टाइगर राम राम भाई। अंजू रुक पीछे पीछे पीछे, अभी ला रहा। फायर फायर फायर, दोस्तों ये देख सकते हैं हम खेत में आकर कितना अच्छा लग रहा है, कितना गजब लग रहा है। फोर्ड को अब ड्यूटी बुग्गी पे लगा दी है, फिर से ये ब्राइटनेस कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, और ये अंशी का पाइप भी बहुत गजब लग रहा है। बहुत ही गजब, कितना प्यारा, बहुत ही सौंदर्य, वेरी गुड। गोले भर लिए हैं और दोस्तों चाय आ गई है, अब भी चाय पी लें। सुमरू बाबा कहाँ है? वो उठाई नहीं, दो दिन से उठाई नहीं, जाडा चढ़ जाडा लग गया था भाई उसे, ठंड लग गई। और दोस्तों अब जो है इसी तरह से ट्रैक्टर चलेगा, दम लगा के डेली बुग्गी पे चलेगा, और फिर जैसे ही मुजफ्फरनगर से फोन आएगा कि ट्रैक्टर भेज दो मॉडिफिकेशन के लिए, तुरंत जो है ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन के लिए चला जाएगा। वैसे दोस्तों सेफ तो मरगाड़ी यही रहते हैं, बड़ा बैठ लो छोटा बैठ लो, लेकिन फिर उसमें पीछे सीट लगवा देंगे तो फिर जो है ये मस्त लगेगा। अंशी के सलेंसर ने पूरा मजा कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। चलो जी चलो चलो जी साहब, दोस्तों ओरिजिनल सलेंसर होता तो और भी अच्छी आवाज आती इसकी। दोस्तों अब अगले दिन की सुबह है और ये वीडियो मैं यहाँ पूरी कर रहा हूँ, अब इस पे ड्यूटी पे लगा दिया है फोर्ड को, अब इसे कुछ दिन चलाएंगे और थोड़ा सा इस पे अगर मौका लगता है तो हल्का सा, जैसा ये दो गन्ने की ट्रॉली उठेंगी खेत में से, इस पे हल्का सा रूटावेटर भी चला के देखेंगे, हाइड्रोलिक वगैरह सारी चीज़ इसकी बढ़िया हैं, और जो है फिर इसे
भेज देंगे, जैसे ही वहाँ से फ़ोन आता है, सिकंदर भाई का फ़ोन आता है, तो फिर इसे मॉडिफिकेशन के लिए भेज देंगे। मॉडिफिकेशन क्या करना है, ये जो है उतर के जो है वो मैकोर्मिक वाले तो आते थे पहले फोर्ड पे भी आते थे, वो मरघाट लगवाएंगे, और क्योंकि दो तरह के हैं, एक तो सादे मैसी वाले हैं तो छोटे हैं, और एक फिर वो हैं, क्योंकि वो इस पर इसलिए सूट आ जाते हैं क्योंकि ये अगला हिस्सा मैसी का इसका सेम सही है, तो वो इसलिए इस पर सूट आ जाते हैं क्योंकि ये पिछला हिस्सा गेयरबॉक्स और ये बैक हिस्सा और ये वाला की वजह से फिर वो वाले मरघाट इस पर बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी बनावट इस तरह की है फोर्ड की, वो तो अल्टीमेट है ही, और बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर ये तैयार हो जाएगा। और दोस्तों अब जो काम चलेगा वो यहाँ से भी ये पूरा सामान निकाल के सब ये टांड वगैरह खाली करके, ये भी पूरा कभी का सब वाइट सीमेंट करवा के छोड़ दिया था, ये भी करना पड़ेगा नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाता है धीरे धीरे मकान। लोहे लंगड़ सब निकाल कर सबकी छटिंग होगी, लोहा एक तरफ, बोतलें एक तरफ, जितना भी अपना काला तेल वगैरह है सारी चीज़ें करके करते हैं, दिखाते हैं आपको। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए।